नमस्कार, मैं हूं आकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है News24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ जो खास शख्सियत हैं उनका नाम है रीना रानी। रीना रानी पूरे बिहार ही नहीं पूरे इंडिया में जानी जाती हैं, कई वेब सीरीज, कई बड़े फिल्म और कई अच्छी मूवी के साथ इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत दूरदर्शन के एक सीरियल से की थी जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ था। सीधे तौर पर इनसे जानते हैं कि सिवान किस वजह से आई हैं। हालांकि सिवान इनका अपना पैतृक गांव है, यहाँ पिताजी इनके रहते थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिताई है, तो यहाँ से इनका नाता हमेशा से जुड़ा रहा है। रीना जी, आपका सिवान में स्वागत है, क्या कहेंगी सिवाना जी? सबसे पहले तो News24 के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम है और सिवान में मेरा स्वागत क्या होगा, ये तो मेरा घर है। हाँ। मेरे अपने लोग हैं तो यहाँ स्वागत की जरूरत ही नहीं है, मैं तो यहाँ आके अपने लोगों के बीच में खुश रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है सिवान आके। और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं, 2 दिन का भी मौका मिलता है तो मैं यहाँ आने का जो लालच है उसको रोक नहीं पाती हूँ और भाग के आ जाती हूँ। चूंकि मेरे भाई भाभी भतीजा है यहाँ पे तो अब माँ पापा थे तो एक अलग चाम था, लेकिन ठीक है ये तो नियति है। लेकिन फिलहाल मेरे 2 भतीजा हैं अच्छा, दो उनका रतन प्यार है, खींच लिया था। उनका प्यार मुझे, अबीर सिंह और सुबीर सिंह है मेरे, उनका प्यार मुझे यहाँ खींच लाता है। और अच्छा, मेरा इकलौता भाई है और जाहिर सी बात है कि 4 बहन का एक भाई, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना उसके लिए प्यार स्नेह दुलार होता है। हाँ, और बिल्कुल। स्नेह। जब माँ पापा थे तो उससे उस समय उतना नहीं होता था एक, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो जाता है कि अब हम लोग ही बड़े पूरा हैं उसके लिए। जिम्मेदारी नहीं पे है पूरे हाँ, परिवार का, अब सबको लेके बड़े, चलना। हाँ हम लोग ही हैं तो एक लगता है भाई को भी देख लेंगे, दोनों हमारे जो भतीजा हैं वो भी मिल लेंगे, तो ये लालच। और फिर जब यहाँ आते हैं तो अलग, आप जैसे लोग, आप भी मेरे भाई हैं, जो हमारे सारे लोग मिलते जुलते हैं वो सब मेरे अपने अपने लगते हैं, सब घर अपना लगता है कि कहीं भी बैठ के हम चाय पी सकते हैं, कहीं भी बैठ के खा सकते हैं, तो ये अपनापन ये है, इसलिए आना पड़ता है मुझे ये लालच लेके। बिल्कुल, एक व्यस्त शेड्यूल के बाद भी अपनों के बीच बने रहना ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अपनों के साथ रहकर और जिस लेवल पे आप काम करती हैं उसके बावजूद भी टाइम निकाल लेती हैं, तो ये अपना तो है। और सिवान जैसे शहर में या सिवान जैसे जिले में आकर आप लोगों से मिल लेती हैं, ये भी बहुत खास ही बात है। लेकिन इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी सिवान आपका आना और यहाँ छोटे छोटे कार्यक्रमों में कम समय में ही भाग ले लेना, क्या ये पहले से प्रायोजित होता है या फिर अचानक से बन जाता है? अचानक अचानक कोई प्रायोजित नहीं होता है, कुछ भी नहीं। मैं तो अपने इवन फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता होता है कि मैं आ रही हूँ, सरप्राइज होता है इन लोगों के लिए। जैसा कि अब मैंने एक वीडियो डाला है मेरे फेसबुक पे, आप जाएंगे तो मेरी जो भाभी है, जब दरवाजा नॉक किया, उसने दरवाजा खोला तो सेकंड भर के लिए ऐसे मतलब फ्लैट हो गया उसका चेहरा, उसको लगा ही नहीं कि ये कौन सामने खड़ा है, अच्छा, मतलब इतनी सरप्राइज हो गई थी। तो मैं, कोई मेरा यहाँ आने के बाद कुछ भी प्रायोजित नहीं होता है, मैं किसी को पहले से बता के नहीं आती हूँ, ना किसी, होता है ना कि अपना पीआर ये वो कुछ भी नहीं है मेरा, जो है आप लोग ही है मेरा पीआर, चाहे मैं, मेरा जो भी एक्टिविटीज है वो आप सब देखते ही रहते हैं, आप सराहते रहते हैं, तो ये सरप्राइज विजिट होता है। और आने के बाद जैसे लोगों को पता चलता है कि मैं अपने शहर आई हूँ तो फिर लोगों का प्यार है कि ये कार्यक्रम है यहाँ आ जाइए, वो सम्मान है यहाँ पे ये कर रहे हैं, छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करना हो, लड़कियों को प्रोत्साहित करना हो, आप चूंकि मतलब यहाँ से जाके वहां पे आप काम कर रहे हैं मुंबई में, तो एक बच्चों को प्रेरणा मिलेगी आपसे, उनका मन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे जिस हालात में होती हूँ, जिस अवस्था में होती हूँ, मैं पहुंच जाती हूँ। ये तो बात सही है कि जहां भी इनको इच्छा करती है जिस हालात में होती है ये पहुंच जाती है। और हम भी सरप्राइज हो जाते हैं जब फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे देखते हैं कि भाई मैं आ गया, आ गई हूँ या आने वाली हूँ, तो अच्छा लगता है कि चलो एक मौका मिलेगा मिलने का, फिर इंटरव्यू लेने का। रीना जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली जी किन किन फिल्मों के साथ जुड़कर आप काम कर रही हैं, कौन कौन से आपकी नई फिल्म आने वाली है, जी सीरियल आने वाले हैं? आपकी जी कुकी जैसी इनकी फिल्म जो लगी आई हुई थी, जबरदस्त फिल्म थी और जबरदस्त रोल था, कई बड़े एक्ट्रेस ने सराहा था। लेकिन फिलहाल किन किन चीजों के, किन किन फिल्मों की शूटिंग चल रही है? देखिए, अभी मेरा एक शो चल रहा था पूर्णिमा, जो बंद हुआ जनवरी में, वो टीवी सीरियल था। वो बंद होने के बाद मैं अभी टीवी सीरियल के लिए ट्राई कर रही थी, क्योंकि कॉल्स वगैरह आपको मालूम है, जब एक शो बंद होता है तो दूसरे के लिए फिर से ऑडिशन देना, फिर से समझिए जीरो से फिर से शुरू करना शुरू होता करना है। होता है। तो अभी वो सोच ही रही थी मैं कि शो बंद हो रहा है, मैं क्या करूंगी अभी, कितना, कितने दिन के बाद काम करूंगी। लेकिन टचउड, मेरे पास जो भोजपुरी फिल्में हैं जो टीवी के लिए बन रही हैं, मुझे समय ही नहीं मिला उसके बाद से, जनवरी से लेके अभी तक सोचने का। कट 1 महीने में 2-3 फिल्में, चूंकि 12 दिन में एक फिल्म कंप्लीट हो जा रही है,
तो एक महीने में 2 से 2.5 फिल्में कर ले रही हूँ। अच्छा तो लाइन से मेरी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं टीवी पे। कल ही एक भोजपुरी सिनेमा पे आया, सास ससुर भी नंगनाना सोहे। अभी सासू जी बधाई हो आने वाला है, और सास बहू की पंचायत आने वाला है, संगतिया आने वाला है, लेडीज स्पेशल आने वाला है। मतलब मैं भी नाम बोलने में भूल भी सकती हूँ, क्योंकि बहुत एक पर एक ओवरलैप हो गया है। तो फिल्में मेरी बहुत सब आने वाली हैं। और कुकी का रेस्पॉन्स जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा मिला, एक बहुत अलग स्टोरी थी, अलग कहानी थी। क्योंकि मोस्टली आप देखते होंगे कि जब कोई रेपिस्ट रेप पे कोई कहानी बनती है, तो हम जस्टिस के लिए सिर्फ दिखाते हैं कि जस्टिस फॉर फलाना फलाना फलाना, लेकिन इसमें जस्टिस के बाद भी जो रेप सर्वाइवल होती है उसकी फैमिली, वो लड़की समाज में कैसे समाज कैसे में कैसे डे बाय डे, समाज तो छोड़ दीजिए, डे बाय डे वो अपने कमरे में अपने घर में कैसे घुटती है, कैसे उसका उसकी फीलिंग होती है, उसको लेके ये फिल्म बनी और काफी सराही गई है। क्योंकि सिर्फ बिहार में नहीं रिलीज हुई, क्योंकि आपको मालूम है बिहार में थिएटर्स को और जो छोटे बजट की फिल्म होती है उनको बहुत जगह नहीं देते हैं लोग, तो नहीं इसकी वजह से बिहार में नहीं रिलीज हो पाई, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। वेब में भी तो बहुत अच्छी इसकी चल रही है, यूट्यूब वगैरह पे बहुत हाँ ज्यादा जी हाँ जी हाँ इसको। जी उसपे बहुत अच्छा चल रहा है। तो ओटीटी आने की वजह ना से एक थोड़ा ओटीटी पे फायदा तो आती हुआ है कि जो बड़े पर्दे पे हम नहीं, वो ओटीटी पे चीजें आ जा रही हैं और निकल लोग जा देख रहे हैं, सराह रहे हैं, वो हो रही है। एक मेरी मेरा AK-47 वेब सीरीज आने वाला है, रही है। और अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अभी एक नया शो भी मेरा स्टार्ट होने वाला है, जब वो आएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगी, दंगल चैनल के लिए उसका शूट 25th से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए ही मैं अब यहाँ से भागूंगी, क्योंकि लुक टेस्ट होना, वर्कशॉप होना, सिटिंग, रीडिंग सब चलना शुरू हो जाता है। तो बस अभी ये सारी चीजें। मुझे लगता है कि लगभग 3 दशक का आपका ये सफर रहा है और अभी लगातार चल रहा है। कभी आपने प्रयास किया है कि अपने इस सफर को फिल्माइज या फिर वेब सीरीज या किसी भी धारावाहिक के रूप में अपने शहर अपने लोगों को लेके साथ में ये चले? बात आप सही बोल रहे हैं। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि जो मेरा मेरे लाइफ का ट्रैवल है, अगर उसपे कुछ बने तो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। क्योंकि मेरे जहाँ पे हमारे माँ पापा बचपन में हम रहे, जहाँ से मैं एकदम लड़कों जैसा रहती थी, बहुत से बच्चे जैसे लड़के बदमाशियां करते हैं वैसे मैं बदमाशी करती थी, मार पीट के चली आती थी। मेरे पापा हंसते थे, सब माँ बोलती भी थी कि रहो हंसे तो नहीं, कुछ बोलत क्या नहीं। पापा बोलते अच्छा कहा हो गए, सब लोग के बेटा बदमाशी कर ला, हमारे बेटी बदमाशी करती है। हाँ तो हमारे पापा ऐसे थे, माँ भी ऐसी थी, तो बहुत शानदार बिल्कुल बचपन फ्रेंडली रहा थे। है। हम बहुत फ्रेंडली थे, कभी मतलब ऐसा प्रेशर नहीं आया कि पापा पापा हुआ, पापा नहीं थे हमारे, पापा मेरे बहुत प्यारे थे। तो हो सकता है उसकी लिबर्टी भी हमने ली है अपनी लाइफ में, उसका फायदा मतलब क्या करे, बचपना कहिए, उम्र का दोष कहिए, कि उसका फायदा भी हम लोगों ने नजायज फायदा मतलब नजायज भी उठाया हम लोगों ने वैसा, लेकिन ठीक है, एक उम्र होती है गलती करने की, समझने की, तो सब करते हैं, हमने भी करी है। लेकिन जब से रियलाइज हुआ कि नहीं, माँ बाप जो होते हैं जब भी जो बोले ना, उसको सही में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वो आगे का देख के बोलते हैं, वो अभी का देख के नहीं बोलते, वो हमारे लिए आगे का देख के बोलते हैं। जब जैसे जैसे समय बीतता है लगता है अरे पापा ऐसे बोलते थे, माँ ऐसे, उस समय हम लोग थोड़ा सुधर गए होते थे, शायद कुछ और होते, लेकिन ठीक है, वो भी एक समय होता है। अच्छा एक चीज और कि इस शहर से जिस समय आप यहाँ से निकली और एक्टिंग के क्षेत्र में या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में, मुझे लग रहा है कि आप एक ये चैनल के साथ जुड़ के हाँ जी हाँ आपने जी एक कार्यक्रम भी किया था मिसेस मिसेस भाग्यशाली, हर भाग्यशाली घर में घुसना होता था, वहां के जी महिलाओं से बात करना, वहां की व्यवस्थाओं को देखना, तो जी समझा तो होगा परिवार को, हर परिवार को। 2021 आपने किया था लगभग, मुझे जी यहाँ तक जी याद है, आपने बताया भी था। 2021 में 2000 परिवारों से आप मिली, तो जो रहन सहन है वो रहन सहन कितना प्रभावित किया आपको जीवन को? सबसे बड़ी बात होती है कि हम एक परिवार में होते हैं, जब हम एक भाई बहन एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बाहर से कोई आया इंसान हमारे जैसा हो जाए, हमारे तरीके से हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। हर किसी की अपनी सोच होती है, अपनी पर्सनालिटी होती है, अपनी चॉइस होती है, हम अपनी चॉइस, अपनी लाइकिंग किसी पे ना थोपे। तो जब हम अलग अलग घरों में जाते थे, हर कास्ट का, हर वर्ग के, हर तरह के घर में जाते थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज एक मिसिंग होती थी, अंडरस्टैंडिंग का, अंडरस्टैंडिंग जो अगर पति पत्नी के पति बीच, सास पत्नी ससुर, हो पति या इवन बहन। मतलब बच्चों में भी, हर रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग ही है। अगर भाई बहन में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहां भी मन में कलेश होता है, वो भी हमें हर्ट करता है। इवन भाई भाभी का रिश्ता हो, अपने बच्चों से भी अगर हम
कहीं पे कम्युनिकेशन गैप होता है तो बच्चे अलग लेते हैं कि माँ मेरी बात नहीं समझ रही है, माँ अलग ले लेती है कि बच्चा मेरी बात नहीं समझ रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग, और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ना, जब मुझे लगता है दो देश बातचीत के द्वारा इतने सारे समझौते कर लेते हैं, तो हम तो घर के लोग हैं, बैठ के बातचीत कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे मन में क्यों है, मेरे मन में क्यों है। बातचीत से बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। और कुछ लोग बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। और हमेशा अपनी सोच को हावी ना करके अगले वाले को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, उसकी भावनाओं का भी, तो चीजें ठीक चलती हैं। मतलब जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कहने का सीधे तात्पर्य यह है कि किसी घर में अगर नई शादी होती है तो जो बहू आती है वो दूसरे परिवेश से आती जी है जी और वो अचानक से बदल नहीं सकती है, एक समय लगता है। रातों और रात तो इसको, बदल हाँ, नहीं सकते। और इसको बदलने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना जरूरी हाँ होता है, हाँ उनको ये कहना चाह रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। आपको समझाना जरूरी है कि बेटा हमारे घर में ऐसा है वैसा है। अभी एक लड़की जो 20-25 साल एकदम बिंदास अपने घर में माँ बाप के पास, जब मन करे सो के उठे, जब मन करे क्या माँ को झिड़क के भी बोल दे तो भी कोई फर्क, माँ तो फिर आएगी, बेटा बोलेगी। लेकिन वही लड़की का सिंदूर लगते ही अगले दिन ही लोग ये सोचने लगते हैं कि मतलब कि उस वो पे एक पूरा हक औरत हो हो गई, गया। वो एक एकदम परिपक्व औरत हो गई, दादी बन गई। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। चीजें होती हैं कि भाई वो बच्ची आई है, धीरे धीरे चीजें समझेगी संभलेगी तो संभालेगी। और वो एक जो नई चीज होती है ना, अगर हम एक दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना उस बच्चे में लगा देना, तो वो उस बच्चे के जीवन में, उस बहू के जीवन में वो सारा जीवन भर याद रहता है कि हमारे साथ ससुराल में हमारी सास या हमारी नंदों ने हमारे साथ बड़ा अच्छा किया और बहुत अच्छे से संभाला। तो लाइफ लॉन्ग उसको याद करके उस चीज का रिस्पेक्ट करती है। तो ये सबको करना चाहिए। औरतों को सबसे ज्यादा ना, औरतों को ही प्रॉब्लम होने लगता है, उनको आपस में ही समझना चाहिए। अच्छा रीना जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि आप स्ट्रीमलाइन से जुड़ी हुई हैं, एक ऐसी जिंदगी को भी आपने जिया है, जी रही हैं, जहां बिल्कुल परिवार समाज से दूर रह के लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वैसी महिलाएं जो अपने आप पे डिपेंडेंट है, वैसी महिलाओं पे अगर इस तरह की जोर जबरदस्ती होती है तो वो तुरंत संबंध तोड़ देती है, ऐसा देखने को मिला है क्या? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को होना चाहिए। इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आज का जो समाज है, आज का जो दौर है, आपको सबको मालूम है किसी एक के कमाने से घर नहीं चलने वाला है। जब पति कमाता है तो पत्नी बड़े आराम से घर को संभालती है और बड़े गर्व से कहती है कि मेरा पति। तो जब पत्नी भी करती है ना, तो उसको भी समझना चाहिए कि मेरी कमाई है, तो ऐसा नहीं कि मैं कमा रही हूँ तो मैं ही सब हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो 25 साल से कमा रही हूँ, तो 25 साल से भी ज्यादा हो गया होगा। बिल्कुल भाई, लगभग लेकिन 3 दशक हो गए। हाँ, लेकिन लोग ये अहम किसी भी औरत या लड़की में आता है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप अच्छी ये बात है, कारण आ जाती है तभी तो नहीं घर ये टूटता है ना ऐसा। गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर जो भी कारण है, अगर इसको बना के कोई करता है कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ पैसे से आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। पैसे पैसा जो है एक जरूरत है हमारी, हमारा जीवन नहीं है वो, हमारा रिश्ता नहीं है वो, हमारा सुख नहीं है वो। अगर पैसों से सुख खरीद ले हम, तो कोई भी करोड़पति दुखी नहीं होता। आज उनके पास बैठिए, वो अलग दुख से प्रताड़ित हो परेशान रहे हैं है, और वो रो पारिवारिक रहे ही हैं। मुश्किल परेशान है। हम उनसे ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि हम अपने मतलब अपने परिवार में हैं, लोगों हम को समझ खुश हैं जाता छोटी है। छोटी खुशियों में। हमारा भतीजा एक स्माइल देता है, हम उसमें खुश हो जाते हैं। हमारी बहनों के बच्चे एक बार मम्मा बोलते हैं, मैं कितना भी थक के जाती हूँ मम्मा, मैं उसमें खुश हो जाती हूँ। बिल्कुल तो पैसे से आप सुख नहीं खरीद सकते। सुख और जो खुशी की अनुभूति है ना, वो यहाँ से, कम्युनिकेशन और दिल से है। बिल्कुल ये नहीं है तो आपके पास कुछ भी है, आप खुश नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। बिल्कुल, ये एक लाइफ लेसन है रीना जी ने जो अपने 30 साल का करियर बिताया है, समाज के साथ साथ अपने परिवार को साथ लेके चली है, उसके लिए एक लाइफ लेसन है। और ये एक हर परिवार के लिए ये एक संदेश भी है कि हमें अपनी जरूरतों के साथ साथ संबंधों को भी दिल से लेके चलना चाहिए, तभी हम अपने संबंधों को बचा सकते हैं। आज के समय में पैसा ही सब कुछ नहीं है, अगर संबंधों के बीच हम और खुश रह के नहीं जिएंगे तो शांति भी नहीं मिलेगी और दुख तो घर में रहेगा हाँ, ही। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है कि अगर कोई रिलेशन टॉक्सिक है ना, कि अगर आप एक तरफा चीजों को निभाए चले जा रहे हैं, निभाई चले जा रहे हैं, और अगला उसको सुनने समझने को तैयार नहीं, तो फिर आप कितना उसमें इन्वेस्ट इन्वेस्ट करेंगे, नहीं किया सकते, नहीं कर बिल्कुल सकते। अपने सालों साल आप इन्वेस्ट कर देते हैं और आपको लास्ट में जिंदगी कुछ खराब हो जाती है। हासिल नहीं होता है, तो उस टॉक्सिक रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। ये भी एक लेसन है बिल्कुल कि आपको शुरू में ही पता चल जाता है कि ये रिलेशन टॉक्सिक है, हम इसमें सुखी नहीं रह सकते, वो पता चल जाता है। वो भगवान ने उतना सहन सबको दे रखा है कि वो एक बार किसी ने किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, गाली दे दिया, कोई भी
या औरत हो या मर्द हो, औरतें भी ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें नहीं करती है, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मर्द ही करते हैं, औरतें भी कुछ होती है जो इस तरह का काम करती है, मतलब मर्द भी सताए जाते हैं औरतों के द्वारा मैं उसमें भी बिल्कुल सही बात एक है। तरफा बात नहीं कर रही हूँ। तो वहां अगर लग जाता है कि आपका रिलेशन टॉक्सिक है, तो बिना लड़ाई झगड़ा की, बिना हाँ लड़ाई झगड़ा, भाई आप अपनी जिंदगी देखिए, हम अपनी जिंदगी देखिए, हाँ एक समय सुख मिले रहे, तो उसको सुधारा भी जा सके, सुधार जोड़ा भी जा अगर सके। लगता है कि सुधार सुधर सकता है तो उतना प्रयास कर लीजिए, हाँ नहीं लगता है तो भाई उसमें सालों साल व्यर्थ गुजारने से कोई फायदा नहीं है। आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, उनको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारने दीजिए, विदाउट गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं ये सब बवंडर करने के बजाय, क्योंकि उसे कुछ हासिल नहीं होता है। आप खुद देखिए, आप ना सोशल बिल्कुल सही मीडिया पे बात। आए दिन देखते होंगे कि अभी उसने पति ने मार दिया, वो जाके वहां बवाल कर रहा है, पत्नी ने जाके वहां, उससे कुछ हासिल थोड़ी होता है, नहीं कुछ नहीं, कुछ हासिल नहीं होता है, आपका सुकून और खोता है। तो सुकून चाहिए, खुशी चाहिए, तो एक तो पहले परिवार के साथ अपना बिताइए, उसमें खुश होइए, या फिर अगर टॉक्सिक रिलेशन है तो टाटा बाय बाय, प्रणाम नमस्ते, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ये एक संदेश जो है सीधे तौर पे ये कहूं कि अपने संबंधों को अगर तोड़ना भी है किसी भी परिस्थिति में, तो उस जगह पे लाके जाके तोड़ना चाहिए जहां से फिर से हम अगर मौका मिले तो सुधार सके। हाँ बुरी तरीके से हम नहीं तोड़े उसको, गाली गलौज करके ना तोड़े, मारपीट करके ना तोड़े, कि सुधारने का मौका अगर मिल रहा है तो हम उसे सुधार ना सके। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए। लगातार रीना जी आती हैं सिवान, तो इस तरह के लेसन हम लोग को देती जाती हैं, और सिवान में आई हैं, सिवान की बेटी हैं, और इनकी जो भी फिल्में आ रही हैं ये जबरदस्त तरीके से इनका रोल होता है। निमकी मुखिया में भी इनका चटपटा सा रोल रहा है हमेशा, और वो सारे रोल हमेशा जहन में घूमते रहते हैं। आप भी जरूर इनको फॉलो कीजिए और एक बार जरूर देखिए इनके एक्टिंग को, बहुत ही रियल और बहुत ही धरातल का जो एक्टिंग होता है वो ये करती हैं। तो हम लगातार जब जब ये आती रहेंगी आपसे रूबरू कराते रहेंगे। सिवान से आकाश।